अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। रमज़ान का महीना जारी है और बेलगाम के मुख्तलिफ जगह पर जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर देर रात तक दुकानों को शुरू किया जाता है, दुकानें होटलों को शुरू किया जाता है ताकि बाज़ वक़्त तो सहरी का भी इंतज़ाम किया जाता है। लोगों की चहल पहल रहती है, दरबार गली हो, जामिया मस्जिद का कॉर्नर हो, फिर आज़म नगर हो, वीरभद्र नगर हो जहाँ कोयला होटल है, तो ऐसी जगह पर पुलिस की जानिब से भी रियायत दी गई है। कई सारे रात तक जो है उन्होंने मौका भी दिया हुआ है, लेकिन आज़म नगर में ये देखने में मिला है कि कुछ नए कांस्टेबल्स जो यहाँ पर भर्ती हुए हैं वो कई सारे रात में गलत तौहीन आमोज़ अल्फाज इस्तेमाल करना, नमाजियों को, रोज़ेदारों को गालियाँ देना, इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा कसरत से पाए जाने का इल्ज़ाम आज़म नगर की आवाम ने लगाते हुए आज वो यहाँ पर पुलिस थाने के सामने आकर वो अपनी फरियाद दर्ज कर रहे हैं कि देर रात तक दुकानों को शुरू तो वैसे भी रमज़ान में किया जाता है, लेकिन कुछ कांस्टेबल्स जो बेंगलुरु से नए आए हैं वो इस तरह की तोहिन आमोज़ अल्फाज इस्तेमाल करें, लिहाजा उन पर फौरी तौर पर कार्रवाई करें और उन्हें यहाँ पर नौकरी से बर्तरफ भी करने की उन्होंने मांग की है। क्योंकि जब दुकानों को रात में खोला जाता है, होटलों को वगैरह, तो वहाँ जाकर वो बंद करने के लिए दबाव बनाते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इंतज़ामिया इस पर संजीदगी से गौर करते हुए उन पर कार्रवाई करें और इस एरिया में जो ये माहौल है आज़म नगर, यहाँ पर हमेशा अमन रहता है, सुकून कायम रहता है, तो इस सुकून को बरकरार रखने की कोशिश करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये यहाँ पर जो आज पूरी जमात वाले यहाँ पर जमा हुए हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों आए? वजह ये है कि कल रात में हम लोग जब तरावी की नमाज़ अदा करके आ रहे थे, आने के बाद में इधर हमारा एक जूस का दुकान है बस स्टॉप के पास आज़म नगर में, वहाँ पे जूस पी लेते रुके थे हम लोग। फिर बाद में यहाँ पे एक रवि बोल के नया कुछ कांस्टेबल आया, बोलते एपीएमसी, एपीएमसी पुलिस स्टेशन को रवि बोल के कोई कांस्टेबल आया है, तो आके फिर बोला कि ये दुकान बंद करो, बज रहे थे तभी 10:30, दुकान बंद करो। मैंने बोला कि सर एक 5 मिनट रुको, दुकान बंद होएगा, 5 मिनट रुको, अभी तो नमाज छुट्टी है और 5-10 मिनट में मैं बंद करता हूँ सर करके बोला। फिर वो गए वहाँ से, फिर इमीडिएट वहाँ से 2 मिनट में रिटर्न आ गए, ए इन तक बंद माड़ी याक बंद माड़ी सर, ना इदेन ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಜನ ಈಗ ನಮಾಜ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಟ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಡಿಯನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಹಾಲು ತಗೋತಾರೆ, ಬೋಲೆ ತು ದೂಧ ಲೇತೆ, ಕೇಲಾ ಲೇತೆ, ಈ ಸಬ್ ಲೇಕೆ ಹಮ್ ನಿಕಲ್ತೆ ಸರ್, ಐಸಾ ಕುಚ್ ನೀ ಹೈ, ಔರ್ ಹಮಾರಾ ಏರಿಯಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಹೈ, ಆಜಮ್ ನಗರ ಹೈ ಬೋಲಾ ಮೈ, ಔರ್ ಆಪ್ ಶಾಯದ್ ಮೇರೆ ಕೋ ಜಾನ್ತೆ ನೇ, ಮೈ ಭೀ ಏಕ್ ಸೋಶಲ್ ವರ್ಕರ್ ಔರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಾ ಬೇಟಾ ಹೂಂ ಮೈ, ಏ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರಾ ತೋ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ, ತು ಮೇರೆ ಕೋ ಬೋಲ್ನೆ ವಾಲಾ, ತು ಕೌನ್ ಮೇರೆ ಕೋ ಬೋಲ್ನೆ ವಾಲಾ, ಅಲಗ್ ಇಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾ ರಫ್ಲಿ ಏಕ್ದಮ್, ನೀ ನನಗೆ ಹೇಳಾವ್ ನೀ ಯಾರ? ಮೈ ಬೋಲೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೊಸದಾಗ ಬಂದ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸರ್, ನಾವು ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏ ನೀ ನನಗೆ ಹೇಳಾವ್ ನೀ ಯಾರ? ಹಾಂ ನೀನು ನನ್ನ ಕಲ್ಮುರ್ಗೆ बोल के ऐसा बात करने के बाद में कल इंसिडेंट होने वही मामले से लेके, तो फिर बाद में जो बचे थे नए नए जो कांस्टेबल्स आए, हमारे को सीनियर से कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हमारे डीसीपी साहब भी हमारे को कोऑपरेट करके अच्छा, परसों पीस मीटिंग में ये करे, एसीपी साहब कट्टीमनी साहब ये करे, और हमारे हिरेमड़ साहब जो सीपी आए यहाँ के, और जो पी एस आई भी है वो भजंतरी साहब, उन लोग भी, इनका सीनियर्स का हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही हमारे इधर एरिया में कुछ हल्ला वल्ला कुछ ऐसा कुछ दंगा होने का ये है, जैसा कि हमारा सदाशिव नगर है, नेहरू नगर है, आज़म नगर है, शाहू नगर है, बसों कौन लिया है, कौन सा भी दाने दो, कौन सा भी दाने दो, हम लोग साथ में मिलके मनाते हैं, कोऑपरेट करके मनाते हैं, ये सभी को मालूम है। ये जो नए कांस्टेबल्स आने के बाद में उनको बात करने का तरीका ही नहीं है, जैसा कि अभी अभी दुकान वाले हैं यहाँ पे, उनको जैसा दुकान बंद करने के तरीके से क्या बोलते हैं खुद उनसे, उनके मुँह से सुनो आप कैसा बात करते बोला। देखो सर क्या है, हर आदमी इंसानियत नाम की चीज़ होती है, हर इंसान मेहनत कर को है ना, गवर्नमेंट का जो रूल्स फॉलो करके कमाती है, जब दो पैसा थोड़ा क्या है तो वक्त थोड़ा आगे पीछे होता है, पर क्या है ना, बात करने की लैंग्वेज ही नहीं है, क्या बोलते हैं, ए सुली मंगना बंद मार रही, हर्षू मंगना, ये क्या है? आपकी कौन सी दुकान है? हमारी चाइनीज का फास्ट फूड है, चाइना टाउन है, यहाँ उड़पी के बाजू में पेट्रोल पंप के पास सर्कल में, तो बात करने का तरीका ही नहीं है। जब इंसान है, मैंने कोई दो नंबर धंधा नहीं कर रहे सब, हम हर रूल्स को फॉलो करके कर रहे हैं, सब धंधा कर दिन भर इंसान मेहनत, दो दो पाई पैसे के लिए इंसान इतना मेहनत करता है, तो इंसान को कम से कम अच्छी जवान से भाई बंद बंद मार रही खत्म, ये गाली करने देने का क्या तरीका है?
ನಮ್ದು ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ, ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್, ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಇದಾಗೋದು. ಮತ್ತೀಗ ಈ ರಂಜಾನ್ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಇದಾಗ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ನಡೀತದೆ. ಈಗ ರಂಜಾನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಬಿಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು ಬಯೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ. ನಿಮಗೇನು ಬೈದಾರ? ಬೈದಾರ ಬೈದಾರ ನಾವು ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಟ್ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಬಾಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿ ಬರ. ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾನ ಉದರ್ಕ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸೋದಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನೋ 4 ಗಿರಾಕಿ ಆಗೋದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಸಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ರಂತ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಜಬ್ಕಿ ಅಮಾರ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮೇನ್ ಸಿಟಿ ಖಡೆ ಬಜಾರ್ ದರ್ಬಾರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಉಸ್ಕೆ ಬಾಜು ಮೇ ಕಂಗರಾಡ್ ಗಲ್ಲಿ ಭೀ ಹೈ, ಚವಾಡ್ ಗಲ್ಲಿ ಭೀ ಹೈ, ವಹಾಂ ಪೆ ಇತನಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಹಮಾರಾ. ಜಬ್ಕಿ ರಮಜಾನ್ ಕಾ ಮಹೀನಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ, ಯೇ ತೋ 99% ಅಜಮ್ ನಗರ ಹಮಾರಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೈ, ಬಟ್ ಆಜು ಬಾಜು ಮೇ ಶಾಹೂ ನಗರ ಹೈ, ನೆಹರು ನಗರ ಹೈ, ಐಸಾ ಕೋಯಿ ಕಭಿ ಜಿಂದಗಿ ಮೇ ವಹಾಂ ನಹೀಂ ಇಧರ ಮಾಮಲಾ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಕಾ. ತೋ ಇಧರ ಫಾಲ್ತು ಮೇ ಆಕೆ ವೋ ಜೋ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಏಕ ತರೀಕಾ ರಹತಾ, ವೋ ಬಾತ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ಥೋಡಾ ಭೀ ನಹೀಂ थोड़ा भी नहीं खाली. अब हमारे जो सीनियर्स है, जमात के मेंबर्स है, जैसे कि अकबर भगवान साहब है, हमारे पटेल चाचा है, फिर बाद में हमारे 3-4 जमात वाले, इनको हमारे CPS सबको बोलने के लिए आए थे कि जो भी आपके उनसे बात करो आप, जो भी आपके नए कॉन्स्टेबल्स आए हैं यहाँ पे क्या, तो उनको बात करने का तमीज नहीं, क्योंकि इनके भी साथ वो हादसा हुआ है जब गाड़ी पर नमाज़ पढ़ के जाने के टाइम पर या फिरनी लाने के टाइम पर रात में आने के टाइम पर एल योगी दो एलिंद बंद दो एलती नहीं एकदम रफली लैंग्वेज सीनियर्स का. तो क्या सीनियर अफसर उन पर कार्रवाई करेंगे? अभी कार्रवाई करेंगे उस उम्मीद से हम यहाँ पे आए हैं, जमातों को लेके, यंग जनरेशन को लेके क्या, अभी इनसे उम्मीद रखते हैं ये कार्रवाई लेते हैं कि नहीं. अगर ये कार्रवाई नहीं लेंगे तो फिर बाद में हम लीगल कार्रवाई कोर्ट से लेंगे इंशाल्लाह. आप बात अभी यहाँ आने के बाद, मैं अकबर बागवान बोल रहा हूँ, यहाँ आने के बाद ये सब अभी जितना भी बताएगा ये सब कंप्लेंट हम PSI के सामने रख दिए. PSI साहब ने CPS साहब को फ़ोन पे बात करवाया मुझसे, तो CPS साहब ने कहा है कि इस पर ना एक्शन तो होती हुई नहीं सद्य इधन माड़ी नम डिपार्टमेंटली यार कॉन्स्टेबल इधन इंतजार्ल और मेले एक्शन तो होती हुई करके अश्योरेंस दिए सो है, इसलिए हम लोग अभी वापस जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि वापस हम इस पर कार्रवाई करेंगे. हाँ, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन पटेल है, मैं रहमानिया मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ जी. और ये जो पब्लिक जमा हुई है, इनको अननेसेसरी जो है वल्गार लैंग्वेज यूज़ करके दुकानदारों को और मस्जिद से बाहर निकल के आने वालों को अननेसेसरी लैंग्वेज जो है कि नहीं वल्गार लैंग्वेज यूज़ करना, गाली गलौज करना, ये हो रहा है बोल करके हमारे पास जब आए तो चलो कम से कम उनके सीनियर ऑफिसर्स को समझाएंगे बोलकर हम लोग इधर आए. अब ये तो हम समझाएं, अब देखेंगे ये आगे क्या एक्शन लेते हैं, उसके बाद आगे क्या है हम फिर मशवरा करके उसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे. पैसे बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट मस्जिद फैज का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ. आज़म नगर एक पीसफुल ये है, तो अभी रमज़ान का महीना है और 10 दिन बचे से हमारे, ये 10 दिन है जो पीसफुल जाना चाहिए, इसलिए हमें पॉलिटिशियन को आई सो है कंप्लेंट करने, जो नया कांस्टेबल आया रवि बोल के वो रफ लैंग्वेज कर रहा है उसे सस्पेंड करने की ये हमारी मांग है.